नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में अधिकार रैली की तैयारियों में जुटे हैं, तो आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंच रहे हैं। मोदी बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कैलाशपति मिश्र को श्रद्धांजलि देने पटना पहुंच रहे हैं। मोदी अहमदाबाद से पटना के लिए करीब 12:30 बजे उड़ान भरेंगे और 3:15 बजे पटना पहुंचेंगे। मोदी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली और अनंत कुमार शाम 4 बजे कैलाशपति मिश्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा 11:15 बजे पटना पहुंचेंगे। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान शाम 3:40 मिनट पर पटना पहुंचेंगे। जिस वक्त मोदी पटना पहुंच रहे होंगे, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अधिकार रैली कर रहे होंगे। बिहार बीजेपी के नेता मोदी के पहुंचने को राजनीति से दूर बता रहे हैं, तो वहीं वो नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं कि कैलाशपति मिश्र के निधन को राजकीय शोक घोषित करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने योग्य है कि इस चुनाव में भी उन्होंने समय निकाल करके अपने नेता को श्रद्धांजलि देने आए। अब मुख्यमंत्री के नाते वो अपने पूर्व गवर्नर को श्रद्धांजलि देने आए। अब राजकीय शोक घोषित होता है नहीं होता है, ये बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर है। मैं होना चाहिए, क्योंकि वो उस कद के नेता जरूर हैं जिनके सम्मान में जितना भी हम करेंगे वो कम होगा। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी का निधन न केवल भाजपा परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए, तन समर्पण, मन समर्पण और यह जीवन समर्पण, इस भाव से पूरे जीवन भर एक तपस्वी बन करके यहाँ की जनता की सेवा उन्होंने किया है। हमें निश्चित रूप से यह विषय खल रहा है कि अब तक जो राजकीय शोक होना चाहिए जरूर घोषित हो जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकशील व्यक्ति हैं। कैलाशपति मिश्र गुजरात के राज्यपाल रह चुके थे। गुजरात सरकार कैलाशपति मिश्र के निधन की शोक अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। शनिवार को कैलाशपति मिश्र का लंबी बीमारी के बाद पटना में निधन हो गया था। बिहार बीजेपी की राजनीति में कैलाशपति मिश्र को भीष्म पितामह कहा जाता था। 89 साल के मिश्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बिहार में जनता पार्टी की सरकार में कैलाशपति मिश्र वित्त मंत्री रहे थे। मिश्र 1980 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। बिहार के राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष रह चुके कैलाशपति मिश्र 1984 में राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। गुजरात और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके थे कैलाशपति मिश्र। कैलाशपति मिश्र ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और जेल गए थे। कैलाशपति मिश्र 1943 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और अविवाहित थे। संघ के प्रचारक की हैसियत से दिल्ली में नरेंद्र मोदी लंबे समय तक कैलाशपति मिश्र के साथ काम कर चुके थे। बिहार की सभी पार्टियों में कैलाशपति मिश्र की पैठ थी। मोदी के बिहार जाने की खबर आने से पहले ही नीतीश कुमार भी सब काम छोड़कर कैलाशपति मिश्र के घर गए और उनको श्रद्धांजलि दी।